बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शहर और गांव। दोस्तों आज जो है ना गर्मी बहुत ज़्यादा है और धूप देखें ज़रा, चेक करें ज़रा यहाँ पे, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है दोस्तों। आज की वीडियो का टॉपिक दोस्तों ये है कि आज हम आपको बताएँगे कि अयाम उस्मानी जौनसी ब्रीड है, अयाम उस्मानी ब्लैक कलर का जौन सी ब्रीड है दोस्तों, उसकी प्योर की पहचान क्या है। हमने पहले जौन सा ना लाइट सेक्स की पहचान बताई थी आपको, तो एक भाई का मैसेज भी आया था कि दूसरी ब्रीड की भी भाई पहचान बता दो। तो हमारे पास जौन सी ब्रीड है ना दोस्तों, हम आपको उनकी पहचान जौन सी है ना बताएँगे। वो जौन सी पहचान होगी ना वो 100% होगी। अगर पहले दोस्तों हमने आपको इनकी पहचान बताई थी लाइट सेक्स की, तो आज जौन सा ना दोस्तों हम आपको अयाम उस्मानी जौन सी ब्रीड है ना उसकी पहचान बताएंगे। किसी मार्केट से दोस्तों आप लेते भी हैं, ओलेक्स से भी लेते हैं, तो अगर वो पहचान उनके अंदर होगी ना तो वो इंशाल्लाह दोस्तों प्योर होंगे। तो अभी हम आपको बताते हैं कि प्योर की क्या निशानी है। अगर इसको प्यास लग रही है, इनको ना हम पानी दे देते हैं, आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी दोस्तों, अब हम ना इनको पानी दे देते हैं। पहले ये जौन से दोस्तों दो डब्बे हैं ना पानी वाले, ये इनके हैं क्योंकि ये ज़्यादा है अंदर, तो इनको ना प्यास ज़्यादा लगती है, तो इसलिए ना हमने इनके दो डब्बे कर दिए पानी के। इनको भी पानी दे दिया दोस्तों हमने, और इनको भी हमने दो पानी के डब्बे दे दिए अंदर ना, ताकि आराम से सारे पानी पी लें। और ब्राउनी को भी दे दिया पानी, वो पड़ा है उसका पानी। आज गोट फार्म पर भी ना दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्मी थी ना, बकरों को भी बड़ी गर्मी लग रही थी दोस्तों आज, वो भी बड़ा पानी पी रहे थे आज। अब दोस्तों हम आपको बताते हैं कि अयाम उस्मानी ब्रीड जो उनकी है उसकी प्योर की निशानी क्या है। तो आए दोस्तों हम आपको बताते हैं कि उनकी निशानियां क्या होती हैं। ये देखें दोस्तों, ये हमारे पास दो अयाम उस्मानी के चूज़े ना हैच हुए थे, तो इसके अंदर हम अभी आपको बाहर निकाल के दिखाते हैं कि प्योर की पहचान क्या है। दोस्तों अयाम उस्मानी जो उनसे हमारे हैच हुए थे ना चूज़े, ये डेढ़ डेढ़ महीने के हो चुके हैं, तो इनके अंदर हम आपको ना प्योर की पहचान इस टाइम बताएंगे, क्योंकि हमारे पास ये दोनों ही प्योर हैं, मिक्स कोई भी नहीं इस टाइम हमारे पास है। तो हम आपको पहचान प्योर की बता देते हैं, वो आप देख लीजिएगा, तो अगर वो आपने कहीं से लेने हो तो आपको पता चल जाएगा प्योर कौन सा है और नॉन प्योर कौन सा है। अच्छा जी, अभी जो आपको हम पहचान बताते हैं कि अयाम उस्मानी की ओरिजिनल की पहचान क्या है। एक तो सबसे पहली चीज़, इसके अंदर फर के अंदर हल्की हल्की चमक होगी, ठीक है, जिस तरह मोर की दुम पे या जिस तरह हमारा ये मुर्गा खड़ा हुआ है, इसकी दुम पे चमक है, ठीक है, इस तरह की इसके परों में हल्की सी हल्की चमक होगी। दूसरा, इनकी टांगें आपने देखनी है, सबसे पहले टांगें जो हैं वो फुल ब्लैक हैं, आगे वाले नाखून तक इनके ब्लैक हैं, ये बच्चे की पहचान है। दूसरा, आँखें, इसकी आँख भी पूरी काली होगी, ये देखें, और ये देखें कलगी है, ये बिल्कुल ब्लैक आएगी, बिल्कुल ब्लैक होगी, ठीक हो गया, चोंच हर कलर इसका पूरा ब्लैक होगा, सबसे इसकी एक पहचान है। दूसरी चीज़, इसमें आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि एस्ट्रोलॉब के साथ अयाम उस्मानी के लगा के जोड़े, तो वो कह रहे हैं कि जी जनमन है, वो जनमन नहीं होते, उनके अंदर कहीं ना कहीं फ़र्क वाजिब हो जाता है। इसके अगर आप मुँह में देखें तो ये ग्रे टंग है, ठीक है, इसको ग्रे टंग कहते हैं, इसकी ज़ुबान ग्रे में है, हाँ ये ग्रे टंग है, ठीक है, इसकी जो ज़ुबान है वो ग्रे में होगी, ये देख, इसकी चोंच अंदर से भी काली है, जो इसकी जबान है वो ग्रे कलर में है, ये ग्रे टंग कहलाता है, ये प्योर ब्रीड है, इसका मुंह भी अंदर से पूरा काला है, ये देख सकते हैं, ये नजर आ गया, ठीक है, ये प्योर ब्रीड में आता है। तो ये है जी ओरिजिनल की पहचान, और यहाँ पर इसके फर में आप देख सकते हैं कि हल्के की शाइन वाजिया होगी, ये देखिए, ये शाइन आ रही है हल्के की इसके परों के अंदर, ये ओरिजिनल की निशानी है। साइज भी किंग साइज है, ये डेढ़ माह का बच्चा है अभी, ये देखें दोस्तों इसका साइज भी आप, और अभी हमारे पास एक और भी है, उसका साइज़ देखें और इसका साइज़ देखें, वो छोटा है साइज़ में और वो देखें कितना बड़ा है, माशाल्लाह। दोनों इकट्ठे निकले थे, लेकिन ये जब निकला था थोड़ा कमज़ोर था, उसकी वजह से ना ये बस थोड़ा सा छोटा रह गया, लेकिन हो जाएगा बड़ा, वैसे भी ये मुर्गी है और ये मुर्गा है। तो ये दोस्तों इनकी पहचान थी, मार्केट से अगर आप ये खरीदने जाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हमने क्या चीज़ें चेक करनी है। और बाकी हमने आपको लाइट से सेक्स की पहचान बता दी थी, प्योर की और नॉन प्योर की। तो ये थी दोस्तों अयाम उस्मानी की प्योर की पहचान। तो अगर आप मार्केट जाते हैं तो लाजमी पहचान आपने लाजमी करनी है प्योर की, क्योंकि जब हमने फ़र्स्ट टाइम ये चीज़ें यानी कि मुर्गियां रखनी स्टार्ट की थी ना, हमें प्योर करके दी थी चीज़ें, लेकिन वो प्योर नहीं निकली थी, वो मिक्स थी दोस्तों। फ़र्स्ट टाइम हमारे साथ जो ना हम मार्केट गए,
तो हमने ना लाइट से सेक्स लेने थे, फर्स्ट टाइम हमने लाइट से सेक्स लेने थे, तो हम लेकर आए जब ना, तो उस बंदे ने तो हमें प्योर का कहा था, लेकिन दोस्तों वो प्योर नहीं निकले। तो आहिस्ता 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 जो सर पता चलता गया कि कौन सी प्योर ब्रीड है कौन सी प्योर नहीं है। तो इसी तरह दोस्तों हम भी आपको जो सर ना इस वीडियो में अवेयरनेस दे रहे हैं इस चीज़ में कि आपको पता चल सके। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल शहर और गाँव को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दोस्तों कल वाली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।